टेलीविजन जगत के पॉपुलर हस्तियों में से एक एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का आज 46 साल की उम्र में निधन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धांत का निधन जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आने से हुआ है। सिद्धांत की अचानक मौत की खबर ने पूरे टीवी जगत को हिलाकर रख दिया है। एक्टर का महज 46 साल की उम्र में जाना हर किसी को झटका दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने करीब 45 मिनट तक उनका इलाज किया। हालांकि डॉक्टर्स इलाज करने में कामयाब नहीं हुए और आखिर में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस साल टीवी और फिल्म जगत के कई स्टार्स के निधन की खबर सामने आई है, जो बहुत ही शॉकिंग साबित हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में एक्टर ने अपना नाम आनंद सूर्यवंशी से बदलकर सिद्धांत सूर्यवंशी कर लिया था। फिलहाल सिद्धांत को लेकर बस इतनी ही खबर सामने आई है कि जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल लाया गया, जहां लाख कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया ना जा सका। इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर हर कोई एक्टर के परिवार और करीबियों को सत्वादना दे रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सिद्धांत ने पिछले कई सालों से टीवी सीरियल्स में काम करके घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मालूम हो एक्टर ने टीवी शो सूफियाना इश्क मेरा से सभी का दिल जीता। उन्हें आखिरी बार जी टीवी के शो क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी में भी देखा गया था। वह जिद्दी दिल माने ना का भी हिस्सा थे। उन्हें हाल ही में कंट्रोल रूम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा गया था। इसी के साथ ही टीवी एक्टर जय भानुशाली ने कंफर्म करते हुए फैंस को यह दुखद न्यूज दी है। आपको बता दे दोस्तों, सिद्धांत वीर अपने पीछे अपनी पत्नी अलीशिया राउत और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। फिटनेस को लेकर सिद्धांत काफी सतर्क रहते थे।